स्टूडेंट बेटा आज आपको पढ़ाएंगे संस्कृत का रीडर में चैप्टर 3 लकलकार मध्यम पुरुष। पिछली वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर का अनुवाद और वर्णन करवाए थे। हमने पढ़ाया था कि लंग लकार में भूतकाल, भूतकाल में कौन सा प्रयोग होता है, जो काम पहले कर चुके वो क्रिया भूतकाल में आती है। संस्कृत में से लंग लकार कहते हैं। इसकी ए पठक, ए पठताम, ए पठन प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में ए पठ है, ए पठताम, ए पठक उत्तम पुरुष में, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। हमने इस चैप्टर में मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ा था, यानी कि ए पठ है, ए पठतम, ए पठक। तो उससे रिलेटिव ही यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित धातुना मध्यम पुरुष से रूपाणी लंग लकार लिखे थे। कुछ धातुएं दी हुई है, तो उस धातु के आपके मध्यम पुरुष के रूप लिखने हैं। मध्यम पुरुष का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। पहला दिया हुआ अस का अर्थ होता है होना। अस का अर्थ क्या होता है? होना। आसी, आस्ताम, आस क्या होता है? आसी, आस्ताम, आसर। हस, हस का ए हसे, ए हस्तम और ए हसर। ए हसे, ए हस्तम, ए हसर। पच यानी पकाना, भोजन पकाने की बढ़ाता है। ए पचे, ए पस्तम, ए पचत। ए पचे, ए पस्तम, ए पचत। इसमें मतलब याद करना। ए स्मर, ए स्मरतम, ए स्मरत। ए स्मर, ए स्मरतम, ए स्मरत। दृश्य मतलब देखना होता है। ए पश्य, ए पश्यतम, ए पश्य। यहाँ पर दृश्य तो मूल धातु है। दृश्य यहाँ पर क्या है? मूल धातु। बनता पश्य से चार लकार, पश्यति, पश्यतु, अपश्यत, पश्य। तो अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत। नम्र नमस्कार करना। ए नमे, ए नमतम, ए नमत। पाए पीना। ए पिबे, ए पित्तम, ए पिबत। ए पिबे, ए पित्तम, ए पिबत। और घ्रा मतलब सूंघना, तो ए जिग्रे, ए जिग्रतम, ए जिग्र। ए जिग्रे, ए जिग्रतम और ए जिग्र। ठीक है बेटा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अस का आसी, आस्तम, आसर। हसे, ए हसे, ए हस्तम, ए हसर। पच्चे, ए पच्चे, ए पस्तम, ए पचर। स्मर से ए स्मरे, ए स्मरतम, ए स्मरत। दृश्य ने देखना। ए पश्य, ए पश्यतम, ए पश्य। नमे नमस्कार करना। ए नमे, ए नमतम, ए नमत। घाय पाए पीना। ए पिबे, ए पित्तम, ए पिबत। और घ्रा मतलब सूंघना, तो क्या बनेगा इसका? ए जिद्रे, ए जिद्रतम, ए जिद्र। ग्राम मूल धातु होता है बनता जिग्र से। क्वेश्चन नंबर टू में आपको पांच से छह सेंटेंस दिए और इसमें क्या है आपको उचित क्रिया बननी है। अब देखो जितने भी करता है ना, करता हमारे मध्यम पुरुष के त्वम, युवाम, युयम, तो क्रिया मध्यम पुरुष की ही लगेगी। त्वम मतलब तुम एकवचन, तो क्रिया एकवचन लगेगी। युवाम मतलब तुम दोनों, क्रिया द्विवचन लगेगी। युवा मतलब तुम सब, क्रिया बहुवचन लगेगी। तो त्वम गीतम, तुम गीत एक वचन है, इसलिए आपको क्या आएगा? स्मर है। क्या था? ए पठ है, ए पढ़तम, ए पठत। ए पठ है, ए पढ़तम, ए पठत। तो एक वचन में क्या है? ए पठ है, क्या आएगा? ए स्मर है, तुम गीत को याद करो। है युवा पुत्र, है तुम दोनों युवा, है मतलब कल, युवा मतलब तुम दोनों कहाँ गए, तुम दोनों कल कहाँ गए। तो तुम दोनों द्विवचन है, तो क्रिया भी द्विवचन है, कर्ता द्विवचन, कर्ता तो क्रिया भी द्विवचन। तो यहाँ पर क्या आएगा? एगस्तम। क्या आएगा बेटा? एगस्तम। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है वो भी आपको क्या है? द्विवचन का है, तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी। कर्ता जिस वचन का, जिस पुरुष का होगा, क्रिया उसी पुरुष के उसी वचन की आएगी। यूयम मधुरम फलम एखागत। अपने एखागत क्यों लिखा है? क्योंकि यूयम का अर्थ है तुम सब बहुवचन है, तो क्रिया ही बहुवचन आएगी, इसे यूयम मधुरम फलम एखागत। फोर्थ है युवाम पत्रम लिखतम। युवाम द्विवचन है, तो क्रिया द्विवचन लगेंगे। युवाम पत्रम लिखत, ए लिखतम, तुम दोनों पत्र लिखो। तुम कानपुर नगरे एवसे, तुम जो एक वचन है, तुम मध्यम वचन, क्रिया में वचन आएगी। तुम कानपुर नगरे एवसे, तुम कानपुर नगर में रहिए। यूयम चलचित्रम अपश्य, तुम सब ने चलचित्र देखा, चलचित्र सिनेमा के लिए, तो यूयम तुम सब है, तुम सब ने चलचित्र देखा, तो यह बहुवचन है, क्रिया बहुवचन आएगी। कुल मिलाकर ये कर्ता जिस वचन का, जिस पुरुष का होगा, क्रिया उसी वचन के उसी पुरुष की होगी। तो त्वम गीतम ऐश्मर है, युवा पुत्र अगस्तम, युवा मधुरम फलम अखादर, युवा पत्रम अलिखतम, त्वम कानपुर नगरे अवसे, युवम चलचित्रम अपश्यत।
ठीक है ना। इसे आप फटाफट अपने बुक में फिल कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। जल्दी फिल करिए बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पद परिचय कर रहा है, मतलब आपको कुछ क्रियाएं दी हुई है, आपको बताना है ये क्रियाएं से मूल धातु क्या है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। ठीक है बेटा, तो पहला दिया हुआ है ए जिगरत, तो ए जिगरत पहला दिया हुआ है आपका ए जिगरत। ए जिगरत दिया हुआ है पहला, तो ए जिगरत में मूल धातु क्या है, आपका ग्रह लकार हुई है हमारा नंग लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। दूसरा दिया है ए गुंफ है, गुंफ पे मूल धातु हमारा गुंफ, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। ए स्मर्तम से मूल धातु स्मर, लंग लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन। ए क्रीडक इसमें मूल धातु है क्रीड, लंग लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। ए लिखतम मूल धातु है लिख, लंग लकार, मध्यम पुरुष और द्विवचन। सब लकार आपके लंग लकार ही है, पुरुष मध्यम पुरुष है, केवल हमें मूल धातु और वचन करना है। ऐ वसत है वस्त मूल धातु है, वही लंग लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन। ऐ गर्ज पे गर्ज है, लंग लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। और ऐ पश्यतम में दस मूल धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष और द्विवचन। तो इस प्रकार हमें केवल मूल धातु और वचन लिखना है, बाकी सभी आपके लंग लकार है, सभी आपके मध्यम पुरुष है। तो पद परिचय में तो होता है कि आपको जो वर्ड दिया हुआ है उसके अंतर्गत इस वर्ड में, इस पद में मूल शब्द क्या क्या है, कौन से वचन का प्रयोग किया गया है, कौन से लिंग में और कौन से लकार में। ठीक है ना, तो ए जिगत में मूल धातु क्या हुआ, ग्रह लंग लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। ए गुप में गो लंग लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। ए स्मर्तम इसमें लंग लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन। ए क्रीडक में लंग लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। ए लिखन में लिख, लंग लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन। और ए औसत में बस, लंग लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। गर्ज में गर्ज लंग लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन। और ए पश्यतम में प्लस मूल धातु हुआ, लंग लकार, मध्यम पुरुष और द्विवचन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी क्रिया क्या दी है, गलत कर रखी है सही करनी है, मतलब क्रिया गलत है वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य को सही करना, उसमें ओनली क्रिया सही करनी है। तो क्रिया सही करने के लिए हम कर्ता देखेंगे, कर्ता जिस पुरुष का जिस वचन का होगा क्रिया उसी पुरुष की उसी वचन की होगी। अभी मैं सही क्वेश्चन में यही पढ़ा था हमने कि कर्ता जिस पुरुष का जिस वचन का है क्रिया उसी पुरुष की उसी वचन की होती है। त्वं भोजनम् अखादय, त्वं भोजनम् अखादय, त्वं मध्यम पुरुष है जिसके क्रिया मध्यम की एक वचन है। प्रियम है पुत्र अगच्छत, प्रियम बहुवचन से क्रिया बहुवचन अगच्छत। प्रियम उद्याने अभवन, प्रियम बहुवचन से क्रिया बहुवचन है। युवाम कविताम अस्मकम, युवाम द्विवचन है इसलिए क्रिया द्विवचन लगाइए। युवाम गुरु अनंतम, तुम गुरु को नमस्कार करो तो क्या आएगा, ये बहुवचन द्विवचन क्रिया भी द्विवचन है। युवाम तुम दोनों गुरु को नमस्कार करो तो युवाम द्विवचन है, क्रिया भी क्या आएगी द्विवचन। तो एक वचन है तुम की मटम हसे, तो यह क्रिया भी यहाँ पर एक वचन आएगी। कुल मिला के क्रिया क्या, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया करनी है, क्रिया के अकॉर्डिंग कर्ता करना है। यहाँ पर अगर एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, क्रिया बहुवचन तो यही बहुवचन, ये द्विवचन यही द्विवचन। ठीक है ना, कर्ता जिस वचन में क्रिया उसी वचन की हमें लगानी है। क्लास लिखना है काफी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चार क्वेश्चन है, चारों को फिर बुक में अपने करने, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे देख लीजिए बुक में।